मैं आपको बताऊं बेटा, देखो मैं ये मान के चलूंगा कि वर्क एनर्जी पावर में देख थ्योरी कम है, वो थ्योरी आप कर चुके हो, ये मैं मान के चलूंगा। यदि आपने थ्योरी नहीं करी है तो ऑब्वियसली यहां दिक्कत आएगी। यदि किसी न्यूमेरिकल में कोई नया कंसेप्ट समझाना पड़ा तो मैं हाथ के हाथ समझाऊंगा। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहे हैं एक पार्टिकल चल रहा है और उसकी वेलोसिटी है 6i कैप -4j कैप +3k कैप। ऑब्वियसली क्योंकि i, j और k में दिया हुआ है तो ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, और फोर्स उस पर लग रहा है, फोर्स लग रहा है 20i कैप +15j कैप -5k कैप। तो बेटा ये वेलोसिटी है और ये फोर्स है। तो कई बच्चे पूछेंगे सर एरो का निशान क्यों लगा दिया? बेटा इसलिए लगा दिया, आई कैप जे कैप के कैप है तो ये वेक्टर है ना कि मैग्नेट। वो कह रहे हैं इसकी पावर बताओ। मेरे बेटा पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क होता है Fs cos थीटा। वर्क एनर्जी की पहली वीडियो में ही था Fs cos थीटा अपॉन टाइम। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। टी क्या है? टाइम। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होती है? वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को लिख दो वेलोसिटी। तो पावर का फॉर्मूला है Fc cos थीटा। ये तब लगाना फॉर्मूला जब मैग्नीट्यूड दिए हुए हो। यदि वेक्टर दिए हुए हो तो मेरे बेटा पावर का फॉर्मूला हो जाता है वेक्टर फॉर्म में F⃗ dot V⃗। तुम्हें याद होगा बेटा जो बच्चे सीरियसली पढ़ते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? Ab cos थीटा। तो F⃗ dot V⃗ क्या होगा? Fb cos थीटा। तो Fb cos थीटा तब लगाना जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड दिए हुए हो, और F⃗ dot V⃗ तब लगाना जब ये i कैप j कैप दिया हो, यानी कि फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट ही पावर है। पावर पे एरो मत लगा देना, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है स्केलर क्वांटिटी। पावर स्केलर है, पावर फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है। तो पावर का फॉर्मूला हो गया फोर्स। अब मैं सिर्फ आपसे ये पूछूंगा इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। अब वो मैं करके दिखाऊं या कर लोगे? आई के कॉफिशियंट को आई से, जे को जे से, के को के से। सर कर लेंगे, सर कर लेंगे, सर कर सब लेंगे। कर। तो ये इसलिए पूछ रहा था कि जो चीज हो जाएगी उसमें टाइम बर्बाद क्या करना। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 2 में कह रहे हैं अ 10 हॉर्स पावर मोटर। पावर दे रखी है 10 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर होता है 746 वॉट। ये याद रखने की बातें हैं, नोट कर लेना, 746 वॉट 1 हॉर्स पावर। तो 10 हॉर्स पावर हो गया 10 × 746 वॉट, 746 वॉट। अब आगे क्या कहते हैं, ये एक मोटर है और ये कुएं से पानी निकाल रही है। 10 मीटर गहरे कुएं से पानी निकालती है, 20 मीटर गहरे, और फिर 10 मीटर ऊंची टंकी में भरती है। यानी पहले तो 20 मीटर जमीन में से खींचती है और फिर 10 मीटर ऊपर छत पे पहुंचाती है। तो टोटल इसे हाइट जो पानी को चढ़ाना है वो 30 मीटर ऊपर चढ़ाना है, 30 मीटर ऊपर चढ़ाना है। आगे क्या बोले, ठीक, और ये टंकी को भरती है, उस टंकी का वॉल्यूम है, जो ऊपर पानी की टंकी भरनी है उस टंकी का वॉल्यूम है 22380 लीटर। यानी कि मास हो गया 22380 kg। तुम्हें मैंने पढ़ाया था 1 लीटर प्योर वाटर हैज मास 1 kg। यदि आप लोग ध्यान से सुना करते हो, यूनिट एंड मेजरमेंट में किलोग्राम की डेफिनेशन बताई थी कि 1 लीटर जो पानी होता है वो 1 किलो का होता है। तो 22380 लीटर
पानी जो होगा वो 22380 केजी का होगा, तो इतना मास इतनी ऊंचाई तक चढ़ाने में कितना समय लगेगा, टंकी भरने में कितना समय लगेगा? मेरे बेटा पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम। कई बच्चे कहेंगे पहले तो आप एफ सी कॉस थीटा और ये लगा रहे थे, बेटा पावर जो है यदि फोर्स और वेलोसिटी दी होती तो वो फॉर्मूला लगाता, तुम्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा। इस हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव कराऊंगा मैं, चाहे फिर वो काइनेमेटिक्स हो, लॉज ऑफ मोशन हो, वर्क एनर्जी हो, सबके। तो मेरे बेटा यहां पर पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क है एमजीएच। कई बच्चे कहेंगे ले सर यो कहां से आ गया, एमजीएच तो पोटेंशियल एनर्जी है। मेरे बेटा यदि आप भूले नहीं हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हर एनर्जी वर्क तो नहीं तो है। काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ाने में किया गया वर्क, याद करो डेरिवेशन। पोटेंशियल एनर्जी किसी चीज की हाइट बढ़ाने में किया गया वर्क, यहां पर मैंने बॉडी की हाइट बढ़ाई है तो हाइट बढ़ाने में किया गया वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी है, यानी हाइट बढ़ रही हो तो वर्क डन होगा एमजीएच, और जीरो से बढ़ा के वी स्पीड हो जाए यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही हो तो वर्क होगा काइनेटिक एनर्जी के बराबर यानी हाफ एमवी स्क्वायर। जो चीज समझ में ना आए उसी समय पे पूछ लेना। बच्चों आवाज आ रही है, इसमें एक फोन आ गया था। सर आ रही है। यस सर आ रही है। क्योंकि ये फोन धोखा दे देते हैं, जब भी ये फोन आ जाता है तो आवाज आनी बंद हो जाती है। तो ये बताओ एमजीएच पोटेंशियल एनर्जी है लेकिन ये किसी चीज को उठाने का वर्क भी तो है, तो ये फॉर्मूला मेरे को मिल गया। अब यदि मुझे एमजीएच ये हटा दो, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में देखते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। पावर गिवन, मास नोन, हाइट नोन, जी की वैल्यू 9.8 ले लो चाहे 10 ले लो नोन, टाइम अननोन। तो जब एक इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल अननोन है तो कैलकुलेशन करके आप निकाल ही लो। तो मैं सामने खड़ा हो गया, मुझे बताओ यदि हाइट बढ़ रही हो, कोई बॉडी जीरो से एच हाइट तक चली जाए तो वर्क डन किसके बराबर होगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच। और यदि कोई बॉडी रुकी हुई है उसकी वेलोसिटी जीरो से बढ़ के वी हो जाए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए, तो वर्क किसके बराबर होगा, हाफ एमवी स्क्वायर, हाफ एमवी स्क्वायर, हाफ एमवी स्क्वायर। बिल्कुल सही बात। अगला क्वेश्चन, और आज की वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है मैंने, वीडियो में पहले ही ऐड कर देता हूं कि बाद में वेट ना करना पड़े, तुरंत देख लो चाहे रात को देख लो, मैं टाइम से ऐड कर दी है, तो लाइव खत्म होते ही वीडियो देख लेना। क्वेश्चन नंबर थ्री है, बॉडी ऑफ मास 5 kg रेस्ट, एक 5 किलो की बॉडी जिसका मास है 5 kg रेस्ट रुकी हुई है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2। बॉडी इज पुल्ड थ्रू अ डिस्टेंस 10 मीटर बाय अ फोर्स 25 न्यूटन। हमने इसे 25 न्यूटन का फोर्स लगा के 10 मीटर डिस्टेंस तक खींचा। 25 न्यूटन का फोर्स लगा के 10 मीटर डिस्टेंस तक खींचा, तो वो पूछ रहे हैं कि बताओ इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसके दो तरीके हैं, एक तो है काइनेमेटिक्स वाले मेथड से, लेकिन मैं इसे वर्क वाले मेथड से करूंगा। वर्क वाले मेथड से यहां दो फोर्स है, एक 25 न्यूटन का फोर्स जो खींच रहा है, एक फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी जो इसे रोक रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो नेट फोर्स कितना है, तो जवाब है नेट फोर्स खींचने वाला 25, रोकने वाला म्यू एम जी। मेरे ख्याल में म्यू एम जी पे इतने न्यूमेरिकल करे हैं कि आप समझ गए होंगे कि नीचे दबाने वाला है एम जी, ऊपर हुए रिएक्शन आर, तो आर इज इक्वल टू एम जी, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू आर यानी म्यू एम जी। 25 खींच रहा है, म्यू एम जी रोक रहा है, तो नेट फोर्स हो जाएगा 25 माइनस म्यू है 0.2
मास है 5, जी को मान लो 10, तो ये 10 आ गया, तो 25 माइनस 10 15 न्यूटन है नेट फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो जवाब है 10 मीटर। तो वर्क डन कितना हुआ, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नेट वर्क कितना हुआ, तो नेट वर्क हो गया नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नेट फोर्स है 15 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर, तो 150 जूल इतना वर्क हुआ। लेकिन आपने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में पढ़ा होगा कि वर्क जो होता है वो एनर्जी के चेंज के बराबर होता है, यानी वर्क जो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल को मैंने जीरो क्यों लिख दिया, क्योंकि शुरू में रुका हुआ था, शुरू में रुका हुआ था, और यदि शुरू में रुका हुआ था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है जीरो, फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक, अब जीरो लिखने की जरूरत नहीं, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई 150 जूल। ये परफेक्ट आंसर है अप्रोक्स, अप्रोक्स हमने जी को 10 मान लिया जबकि जी की रियल वैल्यू 9.8 है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं सभी बच्चों से यही कहता हूं, जी को 10 मान के करो, और जो सबसे क्लोज आंसर हो उस पर निशान लगा दो। जैसे हमारा 150 आ रहा है, उसमें मान लो 150 ना मिले, 150.01 मिल जाए, 02 मिल जाए, तो उसे ही सही मान लेना। तो नेट वर्क होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, ये आपको पढ़ाया गया है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वाली वीडियो में। हर बात याद रखते हुए चलना, कोई भी बात पेंडिंग में मत डालना। अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू। एक बॉडी की जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो 4 गुना हो गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, एक बॉडी की फाइनल काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, तो मोमेंटम कितने टाइम्स होगा, यानी फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम में क्या रिलेशन होगा, डबल है, ट्रिपल है, 4 टाइम्स है, क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला जिसमें मोमेंटम इंक्लूड हो वो बता रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है पी स्क्वायर अपॉन 2m, लिस्ट बनाते रहना। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये फॉर्मूला कैसे आया, पहले बताओ पी किसके बराबर होता है, मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इनटू वेलोसिटी के, एमवी, मास इनटू वेलोसिटी। अब यदि मैं पी को एमवी रख दूं तो पी स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, पी स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और एम स्क्वायर वी स्क्वायर को 2m से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। यानी ये और हाफ एम वी स्क्वायर एक ही है, ऐसा नहीं कि कोई मैंने नया फॉर्मूला बता दिया, ये हाफ एम वी स्क्वायर ही है। तो फिर कई बच्चे कहते हैं हाफ एम वी स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, बेटा इसलिए नहीं लगाया कि मुझे मोमेंटम का रिलेशन चाहिए, तो ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जिसमें मोमेंटम हो। अब शुरू करते हैं, उन्होंने कहा था कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो 4 गुना है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, लेकिन फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी फाइनल मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2m, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी इनिशियल मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2m, 2m से 2m कट गया, तो फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर, अंडर रूट ले लो
तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम, दैट मींस फाइनल मोमेंटम इज ट्वाइस ऑफ द इनिशियल मोमेंटम. एक बार देखो इसे, फाइनल मोमेंटम इज ट्वाइस ऑफ द इनिशियल मोमेंटम. इन्हें सबको एक बार फिर से भी करके देखना. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव. क्वेश्चन नंबर फाइव में कह रहे हैं, हा टू मासेस 1 ग्राम एंड 4 ग्राम आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी. एक पहला मास 1 ग्राम, दूसरा मास 4 ग्राम, ये दोनों चल रहे हैं इक्वल काइनेटिक एनर्जी के साथ, यानी काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट की और काइनेटिक एनर्जी सेकंड की बराबर है. पूछ क्या रहे हैं? वो पूछ रहे हैं कि रेशियो ऑफ मोमेंटा, इनके मोमेंटम का रेशियो बताओ, पहले का मोमेंटम दूसरे के मोमेंटम का रेशियो बताओ, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर है, मोमेंटम का रेशियो बताओ. तो एक बात बता, काइनेटिक एनर्जी है पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो पहले की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी पी 1 स्क्वायर अपॉन 2m, दूसरे की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी पी 2 स्क्वायर अपॉन 2m2. सीजीएस में ही कर लो, m1 है 1, m2 है 4, 2 से 2 कट गया इसलिए आंखों के सामने से हट गया, रह जाएगा P1 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 4. अंडर रूट ले लो तो P1 अपॉन P2 किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के. यही आंसर है, P1 अपॉन P2 1/2. अगला जो समझ में आए बता देना. क्वेश्चन सिक्स है, अ बुलेट व्हेन फायर्ड अ फिक्स्ड टारगेट वेलोसिटी रिड्यूसेस बाय 50% आफ्टर पेनेट्रेटिंग 30 सेंटीमीटर. एक ब्लॉक है, एक गोली मारी गई, मान लो वी वेलोसिटी से, जब वो 30 सेंटीमीटर आगे चली गई तो उसकी वेलोसिटी रह गई वी बाय कितने परसेंट घट गई, velocity reduces by 50%, यानी आधी velocity reduce हो गई, यानी आधी बाकी रह गई. एक गोली मारी, लकड़ी में से निकली और निकल के velocity आधी रह गई, कितनी दूर चली 30 सेंटीमीटर. तो वो कह रहे हैं कितना और चौड़ा बनाए कि बुलेट पूरी रुक जाए, यानी कि v velocity से आए तो सही, लेकिन निकल के velocity v by 2 नहीं, 0 हो जाए, कितने सेंटीमीटर और बढ़ाएं. तो मान लो पहले 30 थी, अब x बढ़ा दी, तो यानी 30 प्लस x हो गई. कोई पूछे x क्या है, थिकनेस, नहीं, वो थिकनेस जो राइज करी. तो बताओ भाई इसमें आप क्या करते हो, आप फॉर्मूला लगाते हो वर्क इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. अंदर कोई ना कोई फोर्स तो होगा जो इसे रोकना चाह रहा है, स्लो कर रहा है, उसी फोर्स ने काइनेटिक एनर्जी को कम किया है. मान लो वो फोर्स एफ है. अब गौर से देखना, दो बार फॉर्मूला लगाऊंगा, वर्क इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. जो मैं पूछूं जवाब दो सोच समझ के, पहले इस फिगर पे लगाऊंगा फॉर्मूला फिर इस पर. फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बाय 2 स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 30 सेंटीमीटर, सीजीएस में कर रहे हैं.
क्या ये सही हो गया? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी लिख दी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी लिख दी, वर्क डन भी लिख दिया, तो क्या ये सही हो गया? नहीं, जो वर्क स्पीड को रिड्यूस करता है वो निगेटिव वर्क होता है, माइनस साइन, माइनस साइन लगा देना। मैंने बताया था जब स्पीड बढ़ती है तो पॉजिटिव वर्क, जब स्पीड घटती है तो निगेटिव वर्क। अब सही हो गया। अब यहां पे लगाओ इस वाली फिगर पे, फाइनली तो रुक गई, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इन्हें दोबारा जरूर करना। और वर्क, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट 30 प्लस एक्स है और ये वर्क भी निगेटिव है क्योंकि ये इसे स्पीड डाउन कर रहा है। दो इक्वेशन बन गई, फर्स्ट और सेकंड, दोनों को डिवाइड कर दे रहा और आंसर में एक्स आ जाएगा। क्यों? जब आप डिवाइड करोगे तो एफ से एफ कट जाएगा, हाफ एम कॉमन आके हाफ एम से कट जाएगा, वी स्क्वायर कॉमन आके वी स्क्वायर से कट जाएगा, सब कट जाएगा एक्स को छोड़ के। और जब एक्स को छोड़ के सब कट जाएगा तो एक्स निकाल लेंगे, तो इस तरह से आप एक्स का पता लगा लोगे। क्यों बच्चों, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। वर्क को निगेटिव क्यों लिखा, बस ये बता दो। यहाँ माइनस क्यों लगाया? मैं इतने मिटा रहा हूँ, क्योंकि रिटार्डिंग की स्पीड घटा रही थी, स्पीड रिड्यूस कर रही थी, स्लो कर रहा है। अगला, मेरे बेटा अगले न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा नंबर आया बेटा? 7 ही है। हां जी, सेवेंथ न्यूमेरिकल में कहते हैं यदि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ जाए तो मोमेंटम कितने परसेंट बढ़ेगा? यदि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 300% राइज हो जाए, यानी कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में 300% का मतलब 100 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, यानी जो इनिशियल थी उस इनिशियल का 300% और बढ़ गया, वो जीरो काट दो, तो 3 काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी 4 काइनेटिक एनर्जी, यानी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 4 गुना है। तो मोमेंटम कितने टाइम्स होगा मेरे बेटा? मोमेंटम कितने टाइम्स होगा, कितने परसेंट बढ़ जाएगा? तो मैंने अभी एक न्यूमेरिकल कराया था, काइनेटिक एनर्जी होती है पी स्क्वायर अपॉन 2m। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी होती है पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पी स्क्वायर अपॉन 2m 4 टाइम्स, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पी स्क्वायर अपॉन 2m, 2m से 2m कट गया, स्क्वायर रूट ले लो, तो फाइनल मोमेंटम इज ट्वाइस ऑफ इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इज ट्वाइस ऑफ इनिशियल मोमेंटम। लेकिन वो तो पूछ रहे हैं कितने परसेंट बढ़ेगा, कितने परसेंट चेंज हुआ, तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला आपको याद होगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, याद है? यहां पे डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, फर्स्ट चैप्टर, यस सर याद है। तो वहां था डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 परसेंटेज चेंज, अब लिखेंगे डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। डेल्टा पी का मतलब
फाइनल पी माइनस इनिशियल पी अपॉन इनिशियल पी इनटू 100। कई बच्चों ने ओरली कर भी दिया होगा, ओरली कर, फाइनल पी है 2p इनिशियल। यदि मैं यहां फाइनल पी की जगह लिख दूं 2p इनिशियल, तो 2p इनिशियल माइनस p इनिशियल, तो न्यूमरेटर रह गया p इनिशियल, न्यूमरेटर रह गया p इनिशियल, डिनोमिनेटर भी p इनिशियल, कट के आ गया 1 और 1 इनटू 100% तो 100% राइज होगी, 1 इनटू 100% यानी कि 100% राइज होगी। अगला क्वेश्चन की रीडिंग लगाओ एक मिनट। या चलो आज यही रोक रहा हूं, आप लोग अब वीडियो देख लो, नहीं तो वीडियो का टाइम कम रह जाएगा, ठीक, और आगे के ट्राई भी करके देख लेना खुद भी, ठीक। ओके बाय बाय बच्चों, थैंक यू सर, थैंक यू सर, नमस्ते नमस्ते बेटा।